Hey friends, thank you for clicking on this video. Today I have come in front of you to tell you how can you make your language more preferable. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज मैं सोच रहा था कि मैं आपके लिए ऐसा क्या बनाऊँ जिससे आपकी आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाए. जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे कहावतें बोला करते थे और कहा करते थे वो कहता है ऐसा कि चोर चोर मौसेरे भाई ही होते हैं. कभी कभी हमें सुनने में मिलता था कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. इसी तरीके की कुछ बातें आज लेकर आया हूँ. थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि आपके लिए मैं ऐसा क्या बनाऊँ, मेरे दोस्तों के लिए ऐसा क्या बनाऊँ कि उन्हें ये वीडियो अच्छा भी लगे और उनके काम का भी हो. इसी चीज़ को बनाने के लिए मैंने आज आपके लिए टॉप 10 प्रोवर्ब्स को आपके सामने लाने की कोशिश की है और इसी को ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. बिना समय गवाए हम इसे स्टार्ट करेंगे. आज टॉप 10 प्रोवर्ब्स यानी 10 सबसे महत्वपूर्ण कहावतें जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जब कभी भी आप किसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी ही भरनी, यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे, इस चीज़ को कहने के लिए आप कह सकते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप. इन दिस वे जो कोई भी व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है. तो जैसी करनी वैसी भरनी के लिए आप कह सकते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप. नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों. आप कभी कभी कहते हैं जब कोई इंसान बड़े ख्वाब देखता है और वो कहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं चाँद तोड़ कर ले आऊँगा, मैं तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो आप कहते हैं कि हर चीज़ यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती. इसका मतलब ये हुआ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. जितना भी चमकने वाला चीज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि वो सोना ही हो. यानी हर चमकने वाली चीज़ हर बार हमारे लिए अच्छी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो आप कभी कभी कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई. इसका क्या मतलब हुआ सी? यानी कहने का मतलब दो इंसान जब एक जैसे ही होते हैं तो उनका काम भी एक जैसा ही होता है. इन दैट सिचुएशन आप कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. इसका मतलब ये हुआ चोर चोर मौसेरे भाई. नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों. आप कभी कभी कहते हैं या कभी कभी लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि एक इंसान हमेशा क्या करता है, किसी काम में कमी निकालता है. यानी जब वो उस काम को कर नहीं पाता है तो वो बहाने बनाता है, है ना. जब हम कहें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ऐसी स्थिति को कहने के लिए आप कह सकते हैं अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स. एक ऐसा इंसान जिसे काम करना नहीं आता लेकिन वो अपना गुस्सा उन औजारों पर निकालता है जिससे वो काम करना चाहता है. यानी उसे चलाना नहीं आता है. दैट इज़ वाई अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स ऑलवेज. नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों. कभी कभी आप कहते हैं कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं. इसको कहने के लिए आप कह सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स. यानी कि हर कोई चीज़ जो बरसती है, जो गुर्राता है, वो काटता नहीं है. हर भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है. ऐसा कह के आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट की तरफ बोलते हैं. हम कभी कभी कहते हैं दूर की चीज़ सुहावनी लगती है. यानी दूर के ढोल अच्छे लगते हैं. इसका मतलब हुआ डिस्टेंस लेंस एनहेंचमेंट टू द व्यू. यानी दूर की चीज़ सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है. बिल्कुल सही. नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे. आप कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा. डूबते को तिनके का सहारा का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी में है और उसे छोटी सी मदद मिल जाए तो भी उसके लिए बहुत होती है. इसका मतलब होता है ड्रॉइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ. यानी डूबते को तिनके का सहारा. नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे. आप कभी कभी कहते हैं कि वो अंधों में काना राजा है. अंधों में काना राजा का मतलब क्या है? किसी को पूरा ज्ञान नहीं होना. तो इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स वन आइड ऑलवेज द किंग. हमेशा एक अंधा उस जगह पर राजा होता है जहां सब लोग अंधे हैं. बिल्कुल ठीक. यानी ये काना राजा है जो अंधों में राजा है. ठीक है जी. आगे कहते हैं कि कुत्ते की भी पूंछ कभी सीधी नहीं होती. यानी एक इंसान की जो आदत है वो उसे कभी नहीं सुधार सकता. उस समय आप कह सकते हैं लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स टेल. यानी टेल्स, एक लियोपार्ड कभी अपनी
पूंछ को सीधा नहीं कर सकता। लास्ट एंड फाइनल आपके सामने आता है, कभी कभी आपने सुना होगा जब आप बार 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 घर वालों से पैसे मांगते हो और घर वाले आपको कहते हैं बेटा पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, इन दैट सिचुएशन आप कह सकते हैं मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी पैसा जो होता है वो पेड़ों पर नहीं उगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई है वो बहुत अच्छे से आपके बहुत काम आने वाली है और आप इसे बहुत आसानी से देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कीप शेयरिंग माई वीडियो ताकि ये दूसरों की उन्नति में भी मदद कर सके, चैनल की मदद में भी उन्नति में भी मदद कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।